हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर चैनल सो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम न्यूज डिस्कस करते हैं उन स्टॉक्स की जिनका आ, कल बहुत स्ट्रांग मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है तो न्यूज़ के बेसिस पर हमने कुछ सिलेक्टेड यहाँ पर स्टॉक्स आपके लिए लेकर आए हैं जिनका हम टेक्निकली भी एनालिसिस करेंगे न्यूज़ का सपोर्ट रहेगा टेक्निकल एनालिसिस रहेगा तो एक बढ़िया ट्रेड हमें यहाँ पर कल देखने को मिल सकता है तो कल के लिए जो पहला स्टॉक हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो है एस्ट्रा जेने फार्मा ये जो कंपनी है इसने आज हमें एक बेरिश कैंडल ज़रूर दी है, लेकिन इसको एक बहुत बढ़िया एक न्यूज़ है इसके पीछे इसको परमिशन मिली है कि कैंसर का जो ड्रग है ये इंडिया में लॉन्च कर सकता है तो अगर इसका कैंसर का जो ड्रग है वो अगर इंडिया में लॉन्च हो गया तो एक कंपनी जो है बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ सकती है ऑल दो यहाँ पे अगर हम देखें तो काफी मार्केट ऊपर गई है यहाँ पे काफी कॉन्टेक्स मार्केट ऊपर जा रही है यहाँ से मार्केट एकदम से नीचे गिरी थी लेकिन अभी फिर से मार्केट ने आप का मोमेंटम लेना शुरू कर दिया है और ये जो एरिया बना हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर इस एरिया पर मार्केट काफी ट्रैप हो रखी है अगर ये एरिया एक, एक बार क्रॉस हो गया तो मार्केट देखना इस आ, का फार्मा को बहुत बढ़िया ऊपर का मोमेंटम दे सकती है तो आने वाले टाइम के लिए भी का जो है साइड रिकमेंडेड रहेगा और कल के लिए भी ये साइड के लिए आपको रिकमेंडेड रहेगा इसका जो टारगेट है वो आप मार्क कर सकते हैं अराउंड सिक्स के पास नेक्स्ट जो स्टॉक हम आपको दे रहे हैं वो है एफ एस एल इसकी भी बहुत बढ़िया न्यूज आ रखी है और इसको है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन इसका नाम है और तीन सौ चौदह पॉइंट सिक्स फाइव रुपीज का एक छोटा सा स्टॉक है ये बहुत बड़ा नहीं है और इसकी जो न्यूज है वो ये कि आ... यूके में बेस्ड एक कंपनी है जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस आउट को आउटसोर्स करने के लिए आ, काम करती है रिटेल के लिए ई e कॉमर्स के लिए काम करती है उसको इसने 42 मिलियन यूरोज में खरीदा है ठीक है तो इसने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है इसकी वजह से इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है तो एफ भी आपको बाई साइड रिकमेंडेड है और अगर इस इसपे नोटिस करें अगर थोड़ा सा स्विंग शौ, शौ, ट्रेड की बात करते हैं तो देखिए ये यहाँ से एक छोटा सा ट्राइंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गई जो अभी अभी हमने ड्रा करी है ये अगर टूट गई तो मार्केट आने वाले टाइम में इसको बहुत बढ़िया अपसेट का मोमेंटम दे सकती है तो आने वाले टाइम में अगर मार्क करें तो इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो थ्री ट्वेंटी नाइन रहेगा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो थ्री फोर्टी रहेगा ठीक है बट अदरवाइज अगर हम इंटर की बात करें तो इसका जो टारगेट कल के लिए रिकमेंडेड रहेगा वो रहेगा अराउंड थ्री ट्वेंटी पॉइंट वन फाइव का लेवल देखिए वो इस ट्रेन लाइन के अंदर भी है और साथ में में मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी देखा हुआ है तो थ्री ट्वेंटी पॉइंट किया है तो ये दोनों ही स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया न्यूज आ रखी है और बहुत ही टेक्निकली भी सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड आपको कल दे सकते हैं तो इन दोनों को नोटिस कीजिएगा कल आप ट्रेड प्लान कर सके इसमें जरूर ट्रेड प्लान कीजिएगा और खूब सारा प्रॉफिट भी अर्न कीजिएगा सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिम बाय एवरीबॉडी टेक केयर एंड नाइट